क्या आपको पता है कि ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक के साथ ऑर्केस्ट्रेशन का कोई रिलेशन नहीं है? Well, that's not entirely true. Orchestra वाले वर्ड से ही ऑर्केस्ट्रेशन वर्ड को लिया गया है. इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑर्केस्ट्रेशन, अरेंजमेंट, दीज आर ऑल काइंड ऑफ सिनोनिम्स विद ईच अदर विद अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम. वी विल टॉक अबाउट इट. यूट्यूब से वीडियो ट्यूटोरियल देख करके म्यूजिक सीखने में हमें एक पर्टिकुलर दिक्कत बहुत होती है. वो ये है कि हमें नोट्स, स्केल्स वगैरह के ऊपर वीडियोज मिल जाती हैं, कॉर्ड्स के ऊपर भी वीडियोज मिल जाती है, लेकिन नोट्स या स्केल्स के आइडिया से कॉर्ड्स के आइडिया में पहुंचने के लिए उनके बीच में संबंध बनाने वाली जो चीज़ होती है, जिसे हम हार्मोनाइजेशन कहते हैं, उसके बारे में हमको आइडिया नहीं मिलता है. हार्मोनाइजेशन की नॉलेज ऑर्केस्ट्रेशन सीखने के लिए एक बहुत ही फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक मानी जाती है. ये वही नॉलेज है जिसको इस्तेमाल करके आप काउंटर मेलोडी डिज़ाइन कर सकते हो, आप कॉर्ड्स डिज़ाइन कर सकते हो, आप प्रोग्रेशन डिज़ाइन कर सकते हो, और फिर ऑर्केस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट को ही हम इस्तेमाल करते हैं अरेंजमेंट करने के लिए. तो आप देख रहे हैं दो अलग अलग सिस्टम में मेरी डॉ ओपन की रखी हुई है. ये स्टूडियो सिस्टम है, वो लाइव कीबोर्डिंग सेटअप है. तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं ऑर्केस्ट्रेशन, एंड होपफुली इस सेशन के बाद म्यूजिक अरेंजमेंट करना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी पड़ जाएगा. अब ऑर्केस्ट्रेशन स्टार्ट करने के लिए ऑब्वियसली फर्स्ट वी नीड अ ट्यून. नाउ ट्यून के लिए मैं चार नोट्स लेने वाला हूं प्राइमरीली, जो कि है आपका ई ए एफ डी. नाउ ये जो नोट कॉम्बिनेशन है, बाय द वे, लास्ट वीक के कोलकाता मीटअप में मुझे एक वायलिनिस्ट मिले थे हु एक्चुअली प्लेड दिस ट्यून टू मी एंड इट साउंड्स फेनोमिनल. सुनकर देखिए कैसा लगता है. ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग होती है स्केल डिटरमाइन करना. इन नोट्स को देखकर हमें स्केल क्या पता चल रहा है. ऑब्वियसली दिस इज ए माइनर स्केल. नाउ हाउ डू आई नो दैट? वेल, लेट्स टॉक अबाउट दिस. नाउ देखिए ई ए एफ डी ई, ये पांचों के पांचों नेचुरल नोट्स हैं. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि कौन कौन से स्केल में ई ए एफ डी ई ये पांच नेचुरल नोट्स लगते हैं. वेल, सी मेजर के स्केल में लगते हैं. सी मेजर पे लगते हैं. ए माइनर पे ऑब्वियसली लगते ही हैं क्योंकि ए माइनर और सी मेजर के स्केल के नोट्स सेम हैं. एफ मेजर में लगता है, कैपिटल एम. तो तीन स्केल्स तो हमको ऐसे ही बैठे बैठे मिल गए जहां पे ये नोट्स लगते हैं. नाउ क्या और भी स्केल में ये नोट्स लगते हैं? फाइंड आउट कीजिए और नीचे कमेंट करके मुझे बताइए. ये आपका टास्क नंबर वन है आज के एपिसोड के लिए. लेकिन अगला क्वेश्चन ये है कि अगर सी मेजर, ए माइनर, एफ मेजर में ये नोट्स लगते हैं तो मैंने ये कैसे डिटरमाइन कर लिया कि अभी जो ये नोट्स लगे हैं वो ए माइनर स्केल पर ही लगे हैं, सी मेजर या एफ मेजर पर नहीं. नाउ अगर ये सी मेजर या एफ मेजर के अंदर अगर ये नोट्स लग रहे होते तो उस केस में ये ऑब्वियस था कि सी मेजर या एफ मेजर के जो सिग्निफिकेंट नोट्स होते हैं, यानी कि इसके लिए सी ई जी, इसके लिए एफ ए सी, तो ये सारे नोट्स जो हैं कि उनको हमको मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट होते हुए दिखाई देता. बट यहां पे अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा संख्या में प्रेजेंट है आपका ई नोट, बाकी सब नोट एक एक संख्या में प्रेजेंट है. तो इसमें आप कह सकते हो कि चलो ठीक है, मैंने एफ मेजर तो निकाल दिया हिसाब से क्योंकि ई नोट दो बार प्रेजेंट. तो ई नोट ए माइनर में भी आता है, सी मेजर में भी आता है. बाय द वे, जब मैं सी मेजर कह रहा हूं, मैं सी मेजर कॉर्ड नहीं कह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सी के स्केल को मेजर होने के लिए जो डिटर्मिनिस्टिक फैक्टर है उसमें आपका नेचुरल ई नोट आता है. अगर फ्लैट ई नोट आता तो वो सी माइनर स्केल में कन्वर्ट हो जाती, यानी कि इस एक नोट डिटर्मिनिस्टिक फैक्टर बन जाता है कि ये स्केल मेजर है या माइनर है. तो ये जो ई नोट है वो इसका भी एक डिटर्मिनिस्टिक फैक्टर वाला नोट है, इसके लिए भी आपका जो ए माइनर स्केल का फिफ्थ नोट है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगर ऐसा है तो इसको मैंने सी मेजर क्यों नहीं कहा, मैंने ए माइनर क्यों कहा? वेल, वो इसलिए क्योंकि ई नोट जो है वो सी मेजर का थर्ड नोट है. नाउ 1, 3, 5 ये जो तीन नोट्स होते हैं किसी भी स्केल के, इनमें से वन आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट नोट माना जाता है, 5 सेकेंड सिग्निफिकेंट नोट माना जाता है, 3 लीस्ट सिग्निफिकेंट नोट माना जाता है. सो गोइंग बाई ऑल दिस प्रिंसिपल्स, ई नोट यहाँ पे क्योंकि दो बार रिपीट हो रहा है, जो कि इस पीस का सबसे सिग्निफिकेंट नोट है, वो सी मेजर का लीस्ट सिग्निफिकेंट नोट के अंदर आता है ये तीन नोट्स में से. वेयर एज ए माइनर के लिए वो सेकेंड मोस्ट सिग्निफिकेंट नोट में आते हैं, यानी कि फिफ्थ नोट है ए माइनर स्केल का. देयर फोर इट इज़ डेफिनेटली ए माइनर स्केल. नाउ देखो इतनी सारी जो चीज़ें मैंने बोली, ये जो बोलने में मुझे टाइम लगा, सोचने में आपको इतना टाइम नहीं लगता है. आप जब करने बैठते हो यू कैन फाइंड इट आउट इमीडिएटली. अगर मैं कॉर्ड पकड़ूँ ए माइनर, तो ये मेरा लग रहा है.
नाउ दैट्स हाउ वी डिटरमाइन द स्केल फर्स्ट. ग्रेट. नाउ दूसरी चीज जो होगी स्केल डिटरमाइन करने के बाद वो होने वाला है कि कॉर्ड डिटरमिनेशन. बट याद रखना मैंने हारमोनी की बात की थी इसके बीच में, आएंगे उस बात पर. बट क्योंकि अब तक आपकी हैबिट ये रह चुकी है कि आप नोट से सीधा कॉर्ड पर जाते हैं, लेट अस फॉलो दैट फॉर द टाइम बीइंग एंड देन वी शैल इंट्रोड्यूस हारमोनी इन बिटवीन. ऑलराइट. तो जहां पे आपका ई ए चल रहा है इस पोर्शन में आप ए माइनर कॉर्ड लगा सकते हो. जहां पे आपका एफ डी चल रहा है यहां पे आप डी माइनर लगा सकते हो. और भी ऑप्शन है, आप यहां पे एफ सिक्स लगा सकते हो, बट इट मेक्स मोर सेंस टू गो विथ डी माइनर फॉर द टाइम बीइंग. वापस आपका जो ई आ रहा है यहां पे आप वापस ए माइनर पर आ. दिस इज द इजिएस्ट कॉर्ड प्रोग्रेशन. तो मैंने क्या कहा था कि आपका कॉर्ड प्रोग्रेशन भी निकल कर आ सकता है ऑर्केस्ट्रेशन का आइडिया से. तो देखिए, तो ये आपका क्या हुआ अब तक. ग्रेट. नाउ इन केस यूर वंडरिंग कि मैंने कॉर्ड्स कैसे निकाले, वेल वो तो इस तरीके से कि मुझे पता है स्केल में नोट्स क्या क्या लगते हैं. जो नोट्स को मैं लेकर उसके ऊपर मैं कॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उन नोट्स को इस्तेमाल करके क्या क्या कॉर्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है. जिसलिए मैंने कहा कि डी माइनर एफ सिक्स ये दोनों कॉर्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है ए माइनर स्केल के अंदर, उसको लेकर के मैंने ये चीज़. अगर आपके मन में स्केल्स एंड कॉर्ड्स लेकर ज़रा सा भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ यूजफुल वीडियोस की लिंक रखी है जो आप बिल्कुल जाकर के चेक कर सकते हो एंड ये सारी चीज़ें आपकी होपफुली क्लियर हो जाएगी. चलिए मूव ऑन करते हैं ऑर्केस्ट्रल के आइडिया में. नाउ ए माइनर में नोट्स क्या लगते हैं ए माइनर कॉर्ड में. ए सी ई. मैं बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, जिसका मतलब ये होता है कि आना तो चाहिए था हारमोनी से कॉर्ड, लेकिन क्योंकि आपको कॉर्ड का आइडिया ऑलरेडी पता है तो मैं कॉर्ड से हारमोनी लेकर जा रहा हूँ आपको, और वहाँ से काउंटर मेलोडी भी निकल कर आएगी. नोटिस कीजिए, तो ए माइनर में मेरा ए सी ई लगा, डी माइनर में मेरे क्या लगेंगे डी एफ ए, वापस यहाँ पे ए सी ई. तो ये जो तीन सेगमेंट है यहाँ पे ए सी ई डी एफ ए एंड ए सी ई के अंदर कमन नोट कौन सा है जो कम्प्लीटली चल रहा है. ये कमन नोट हमेशा होगा ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा क्या कमनलिटीज़ है. तो कमनलिटीज़ में हमें ए नोट मिलता है जो कि कम्प्लीटली पूरे ड्यूरेशन के लिए ऐसे खींचते चला गया है. तो अगर मैं ए नोट को यहाँ पकड़ के रखूँ तो पूरे ड्यूरेशन के लिए ये नोट आपका एक वैलिड नोट है. ग्रेट, वी हैव आइडेंटिफाइड अ कॉमन नोट, दैट इज अ गुड थिंग. अब देखते हैं कि इन कॉर्ड्स को इस्तेमाल करके इन सारे नोट्स के अलावा और बाकी क्या क्या नोट्स हम निकाल सकते हैं. तो ए सी ई में यहाँ पे ई और ए लग चुका है, मतलब अपने पास सी नोट है इस कॉर्ड से. डी एफ ए में यहाँ पे एफ और डी लग चुका है तो अपने पास ए नोट है, और ई लग चुका है यहाँ पे ए सी ई में, जिसका मतलब हमारे पास ए और सी बचा हुआ है जो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुआ है. तो सी ए सी ये तीन नोट्स लगभग हमको मिले हैं जो कि कुछ इस तरीके से साउंड करते हैं. वी कैन डू दिस. नाउ नोटिस हम गोना यूज दिस फीचर. ओके, मैं मेरे बाएं हाथ को इस्तेमाल करके और मैं दाएं हाथ को इस्तेमाल करके ये प्ले करने वाला हूं एक साथ. सुनकर देखिए कैसा होता है जैसे कॉर्ड चेंज होगा. You actually established a harmony. You established the point जहां से आप काउंटर मेलोडी बना सकते हो. नोटिस करो, अगर मैं इसको थोड़ा सा लेकर खेलूं ए माइनर स्केल के अंदर, बिकॉज दैट इज आवर मेन स्केल, करने के बदले अगर मैं ऐसा करूं, अगर मैं ये करूं, इट साउंड्स सो सूदिंग. तो समझो आपकी काउंटर मेलोडी तैयार हो गई, सी ई एफ ए बी सी, सी ई एफ ए बी सी. तो आपके कॉर्ड्स हो गए, काउंटर मेलोडी हो गई, आपकी मेन ट्यून तो है ही. कुल मिलाकर कैसा हुआ चलिए देख लेते हैं. मेन ट्यून आपका ई ए एफ डी ई, आपके कॉर्ड्स हैं ए माइनर डी माइनर ए माइनर, आपकी काउंटर मेलोडी है सी ई एफ ए बी सी. This is the main idea of harmonization, chord progression, scale determining. In हर एक चीज का जो है solution है. चलिए let's jump on to FL Studio and actually start building this. Now ये जो सारी चीजें हमने सोची है, like कि अपनी main melody है, chords है, counter melody है, इन सारी चीजों को हमको अलग अलग instrument पे divide करके देना पड़ेगा. We cannot use the same instrument for all of them. I mean we can, but that's not a very good idea. Now मैं ये सोच रहा हूँ कि starting के लिए मैं stringed instrument इस्तेमाल करूंगा इन सारी चीजों के लिए. तो हम एक string instrument इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, एक इसके लिए करेंगे, एक इसके लिए करेंगे. लेट्स गो ahead एंड गेट started. तो सबसे पहले instrument selection के लिए आ जाइए अपने ब्राउजर पर एंड इन सारे instruments को डिलीट कर देते हैं. पैक्स इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्केस्ट्रल स्ट्रिंग सेक्शन, स्ट्रिंग सोलो और एक लेते हैं.
तो स्ट्रिंग सेक्शन से मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं बेसिकली इसके जो कॉर्ड सेक्शन है उसको मैं प्ले करूंगा एंड स्ट्रिंग सोलो से मैं मेन ट्यून प्ले करूंगा। तो मैं इसको भेजता हूँ नंबर वन पर, चैनल नंबर टू इन आवर मिक्सर। तो सबसे पहले स्ट्रिंग सोलो रिकॉर्ड करते हैं। लेट्स कम टू दी पियानो रोल फॉर दिस। एंड ये आपके नोट से ई ए एफ डी ई, दिस ई साउंड्स गुड। तो इन्हें हमें बजाना कैसे है? अगर मैं चार की काउंटिंग लेता हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दिस इज व्हाट आवर फर्स्ट पार्ट इज। अब इसका टेम्पो में थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, सो वी शैल यूज द FL टेम्पो टैपर। 1 2 3 4, 165 BPM, लेट्स सी। ग्रेट, मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, मे बी 155 कर लेते हैं। फाइन, सो दैट्स द वेरी फर्स्ट थिंग। लेट्स गेट टू द कॉर्ड्स। स्ट्रिंग सेक्शन से हम कॉर्ड्स प्ले करेंगे आज ये पियानो रोल पर। तो कॉर्ड्स अपने हैं ए माइनर, डी माइनर, ए माइनर। लेट्स ले दैट डाउन। अब एक काम करते हैं, नीचे ऑक्टेव पर एक नोट लगाते हैं। ए माइनर के लिए मैं ए लगा रहा हूं, डी माइनर के लिए लेट अस से फॉर एग्जांपल मैं सी लगा रहा हूं। एंड लास्ट के माइनर के लिए जस्ट लीव इट वेयर इट इज। तो देखिए नीचे का जो पोर्शन है बेस नोट आपका, वो काइंड ऑफ एक मेलोडी बना लेती है। रा, रा, रा। ग्रेट, I'm liking it so far. So we got two different patterns. एक में आपकी ट्यून है, एक में आपके कॉर्ड्स है। Now let us start working on the counter melody. Counter melody के लिए मैं अभी के लिए स्ट्रिंग सोलो जो इंस्ट्रूमेंट है उसी को इस्तेमाल कर लेता हूँ, बट लेटर वी शैल ब्रिंग अप सम न्यू इंस्ट्रूमेंट्स एंड वी शैल सी हाउ वी कैन डू लेयरिंग एंड स्टफ्स लाइक दैट। मेन कॉर्ड्स को आप डुप्लीकेट कीजिए एंड इसको आप रीनेम कर दीजिए मेन काउंटर। It sounds horrible so far, but we are getting there, don't worry. Obviously the biggest problem is ki apna jo main chords hai, that is playing too loud. Great. To abhi jo humne main tune play ki hai, chaliye iski layering start karte. Let us take all these instruments, let's duplicate one octave above. Ye jo apna counter melody hai, isko bhi layering kijiye but one octave below. अब ये जो लोअर लेयर है इसकी वेलोसिटीज को हमें नीचे करना है, ठीक है, कंपेयर टू जो अपर लेयर है। सारे नोट्स की वेलोसिटी सेम मत कीजिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे रखिए ताकि आपको इसमें एक थोड़ा सा वेरिएशन मिल जाए। अभी आपका जो अपर लेयर है हम इसको थोड़ा सा मूव करेंगे राइट की तरफ, देखिए हल्का सा, हल्का सा एक मूव हुआ है। ग्रेट, तो इसमें अपर ऑक्टेव एंड लोअर ऑक्टेव की प्लेइंग टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, विच इज वेरी गुड। द सेम थिंग हम मेन ट्यून पर भी करेंगे कि उसके अपर एंड लोअर ऑक्टेव में हम एक हल्की सी जो एक मूवमेंट एस्टेब्लिश करेंगे। 100% अगर ग्रिड पर चीजें चल रही है तो दैट ऑलवेज डजंट साउंड वेरी कूल एक्चुअली। राइट ऑन ग्रिड इज ओके इफ यू आर मेकिंग एन EDM पॉप, बट राइट ऑन ग्रिड इज नॉट गुड इफ यू ट्राइंग टू मेक समथिंग विच इज मोर सोलफुल। अनप्लग्ड फॉर्मेट जो होता है, सोलफुल जो होता है, उसमें राइट ऑन ग्रिड दे नेवर साउंड गुड। अभी हमें एक इंपॉर्टेंट चीज करनी है, वो है कि हमारी जो मेन ट्यून है, हमारी जो काउंटर मेलोडी है, इनको हमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में तोड़ देना है। तो चलिए एक नया यहाँ पे VST ऐड करते हैं। मैं फ्लेक्स ऐड करता हूँ, फ्लेक्स के अंदर वी विल फाइंड सम नाइस स्ट्रिंग साउंड्स, स्ट्रिंग्स वन, ये ट्राई करते हैं। सो हम क्या करेंगे, मेन ट्यून में आते हैं एंड इसमें ये जो नोट्स हैं इसको मैं कमांड X, स्ट्रिंग्स वन में आकर के पियानो रोल में जाकर कमांड V। सो यू आर कॉपिंग एंड पेस्टिंग दिस, इसको मैं भेजता हूँ चैनल नंबर 3 पर, देखते हैं क्या साउंड कर रहा है। Okay, that's a horrible sounding. Okay, very shrill. High frequency थोड़ी कट करो क्योंकि high frequency बहुत ज़्यादा है इसमें. Low भी थोड़ी सी कट करो. Okay, it's got a natural reverb within it जो मुझे बहुत अच्छा तो लग नहीं रहा है, but that's fine. मैं probably मैं थोड़ा सा जो है tremolo मैं add कर देता हूँ.
ये सारी चीज़ें आपकी साउंड डिजाइनिंग में आती है. साउंड डिजाइनिंग नॉट द फिल्म साउंड डिजाइनिंग जो हम लोग टिपिकली बैकग्राउंड स्कोरिंग में करते हैं. साउंड डिजाइनिंग इन द सेंस कि एक टोन को शेप करना ताकि वो बहुत ही जो है कि सूटेबल लगे. नाउ साउंड डिजाइनिंग इज अ वेरी वास्ट टॉपिक. इसमें आपको ADSR लेकर काम करना पड़ता है, यानी कि अटैक डीके सस्टेन रिलीज. इसमें आपको सब्ट्रैक्टिव EQ इस्तेमाल करना पड़ता है. दैट्स अ ह्यूज थिंग. राइट, तो मेन हारमोनी का जो काम था वो हमने कर लिया है. अभी हम हमारे साउंड पैलेट में ऐड करेंगे कुछ और सूटेबल साउंड्स. तो ऑलरेडी हमने 3 अलग अलग तरीके के स्ट्रिंग्स लेकर रखे हैं. एक लगाते हैं ग्लॉकेनस्पेल. नाउ ग्लॉकेनस्पेल इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट एंड ये बहुत सही चलता है अपने स्ट्रिंग्स के साथ. मैं एक पियानो लगाने का भी सोच रहा हूँ एंड फाइनली एक फ्लूट लगाने का सोच रहा हूँ, काइंड ऑफ एक स्ट्रिंग्स को इन्हेंस करने के लिए. सो दिस इज गोइंग टू बी माई साउंड पैलेट फॉर दिस हारमोनी दैट वी हैव क्रिएटेड. ये रहा आपका ग्लॉकेनस्पेल. आई थिंक दिस इज ओके. पियानो के लिए हम लेंगे FL कीज, जो कि FL स्टूडियो का डिफॉल्ट पियानो पैच है. इसको हम भेजेंगे मिक्सर चैनल नंबर 4 और नंबर 5 पर. ओके, तो अभी चलिए एक नया पैटर्न तैयार करते हैं यहाँ पे, जिसका हम नाम देंगे Glock 1, और एक पैटर्न बनाएंगे जिसका नाम देंगे Piano 1. तो सबसे पहले चलिए Glock 1 को बिल्डअप करते हैं. नाउ हमारी जो मेन ट्यून है, इसके कॉर्ड्स हमने देखे हैं जो कि A माइनर, D माइनर 7th एंड A माइनर पे जा रहा है, जिसका मतलब यहाँ पे ACE, DFAC एंड वापस से ACE. ये नोट्स हैं क्योंकि मेन स्केल अपना A माइनर है. तो मैं A माइनर के ऊपर एक थोड़ा सा अर्पीजेटेड पैटर्न तैयार करूँगा ग्लॉकेनस्पेल लगा करके, जो मेरे स्टार्टिंग के पार्ट में चलता रहेगा एंड उस तरीके से मेरा ये जो मेन सेक्शन है वो इंट्रोड्यूस होगा. ऑलराइट, ग्लॉकेनस्पेल टिपिकली एक अपर मिड ऑक्टेव में प्ले किया जाता है, तो मैं 6th ऑक्टेव या 7th ऑक्टेव के अंदर इसको प्ले करूंगा. इसका एक क्लोन बनाएंगे, उसका नाम देंगे Glock 2. अब इसमें हम लास्ट के जो नोट्स हैं इसको हम बदल देंगे. तो इस अरेंजमेंट में हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्लॉकेनस्पेल के साउंड से, जिसके बाद हम बेसिकली अपना मेन कॉर्ड के साथ अपना जो मेन ट्यून है उसको हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं. एंड उसके बाद मैं एक पियानो की ट्यून इंट्रोड्यूस कराने का सोच रहा हूँ, जिसके बाद हमारा ग्लॉकेनस्पेल मेन कॉर्ड एंड ट्यून एंड उसका जो काउंटर मेलोडी है ये सब एक साथ मिलकर के एक फाइनल कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे. मुझे लग रहा है कि मुझे एक अपर लेयर पर भी पियानो करना चाहिए, तो आई जस्ट क्लोन दिस Piano 1, आई रीनेम इट टू Piano 2. उसमें मैं थोड़ा अपर लेयर में कुछ काम करूंगा. तो मैं बेसिकली सिमिलर कॉर्ड्स के अंदर ही घूम फिर रहा हूँ, सेम स्केल के अंदर, एंड आई एम जस्ट क्रिएटिंग न्यू ट्यून्स, यू नो, जो ट्यून्स इसको कंप्लीमेंट कर सकता है बेसिकली. यहाँ पे एक चीज अटेम्प्ट करके देख सकते हैं, वी कैन एक्चुअली ट्राई टू यूज द काउंटर मेलोडी एज द मेन मेलोडी फॉर द पियानो सेक्शन. इट विल बी वियर्ड बट वी कैन ट्राई दिस आउट इफ इट वर्क्स गुड. हम अगर इसकी एक डुप्लीकेट निकाल लेते हैं एंड वी जस्ट पुश एवरीथिंग बाय 1 ऑक्टेव अबव,
ओके, जस्ट वन थिंग, इसको मूव करा दीजिए यहाँ तक. लास्ट वाले पार्ट के लिए ग्लॉकोन को फिर से हम क्लोन करेंगे एंड यहां पे हम इनको हटा देंगे. ये जो अनफिनिश्ड टाइप की जो बात होती है दैट एक्चुअली समटाइम्स यू नो साउंड्स गुड. नाउ लास्ट के पार्ट के लिए फॉर द वेरी लास्ट इंस्ट्रूमेंट वी शैल ब्रिंग अ फ्लूट. मैं मेन ट्यून का एक क्लोन निकालूंगा फाइनली एंड उसको मैं फ्लूट में बजाऊंगा. कमांड एक्स, कमांड वी. Now obviously इसकी मिक्सिंग करनी पड़ेगी इसकी साउंड क्वालिटी को बाहर निखर कर लाने के लिए, बट ऑर्केस्ट्रेशन का जो पॉइंट को मैं एस्टेब्लिश करना चाह रहा था आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड दैट प्रॉपरली.